नेक्स्ट टॉपिक उपभोक्ता संतुलन। क्या होता है उपभोक्ता संतुलन? वो स्थिति जिसमें उपभोक्ता अपनी आय को वस्तुओं की बाजार कीमत पर इस प्रकार से व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले, कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। तो उपभोक्ता संतुलन की दो अप्रोच होती है, दो तरह से निकालते हैं। एक तो होता है बजट रेखा व अनधिमान वक्र विश्लेषण, और दूसरा होता है उपयोगिता विश्लेषण। पहले इसकी बात करते हैं, बजट रेखा व अनधिमान वक्र विश्लेषण। देखो इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको दोनों टेबल बनवा दी, बजट रेखा की भी और अनधिमान की भी। उन दोनों टेबल से डायग्राम बनाओगे। मान लो बजट रेखा बनाई मैंने कुछ इस तरह की, मैंने यहाँ सेब लिए, यहाँ संतरे लिए, उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। और जब मैं आईसी वक्र को बनाऊंगा जहाँ पे टच करेगा वो हमारा, तो ये दोनों कहीं एक जगह टच करेंगे, जहाँ ये टच करेंगे वहां पर ही उपभोक्ता का संतुलन होगा। इसका मतलब बजट रेखा क्या दिखाती है कि उपभोक्ता अपनी आय से कौन कौन से कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, और आईसी का क्या दिखाता है कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिनसे उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर मिलता है। तो जहां पर इन दोनों में से कोई पॉइंट मैच कर रहा होगा उस पॉइंट पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। अगर आप देखोगे तो टेबल में एक 20-20 का पॉइंट है, 20 सेब 20 संतरे का, और इस टेबल में भी है, बजट रेखा के में भी और अनुमान के में भी है। तो ये 20-20 पर टच करेंगे, यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। क्या कह देते हैं? सर सही कह लेते, इसमें आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है। एंटी कौन बनी? पार्टी को खाती हो गए? बंद कर दो भाई। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। अब जाए ना बैठने में लमटा आने और बर्तन दे दलवे। इस संतुलन की कुछ शर्तें होती हैं। क्या क्या शर्तें होती हैं? नंबर वन, एक तो जब ये टच करेंगे तो बजट रेखा का ढलान, यहां लिख देता हूं उसकी शर्त, बजट रेखा का ढलान अनधिमान वक्र के ढलान के बराबर होना चाहिए। अब ये बजट रेखा का ढलान क्या होता है? ये होता है पी एक्स, मतलब यहां अगर मैं ले लूं तो ये पी एक्स होगी, पी वाई होगी। देखो तुम साइज देखोगे तो ये दोगुना लग रहा है इसका, लग रहा है ना, क्योंकि इसकी कीमत दो है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर आएगा। इसका मतलब बजट रेखा ढलान होता है पी एक्स अपॉन में पी वाई, वस्तु एक्स की कीमत अपॉन वस्तु वाई की कीमत। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर दो थी और यहाँ पर एक था, सेब की कीमत दो, संतरे की कीमत एक, तो पी एक्स अपॉन पी वाई टू हो गया। वो होनी चाहिए आपके एम आर एस के बराबर। एम आर एस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर होनी चाहिए। अब मैंने तुम्हें आईसी कर्व की टेबल में एम आर एस निकलवाई थी, मैं याद दिखा देता हूँ। मैंने कहाँ निकलवाई थी? मैंने कहा था यहाँ सेब थे, यहाँ संतरे थे, अगर आपको याद हो 10, 15, 20, 25, 30 संतरे थे, 50, 30, 20, 10 नहीं नहीं 15 और 12। अगर हम यहाँ पर एम आर एस निकालते तो क्या नहीं होती थी? हानि बटे लाभ ना, हानि हुई 20 की, लाभ हुआ 5 का, तो 20/5 यानी कि 4, तो यहाँ 10/5 यानी कि 2, तो यहाँ 5/5 1, और यहाँ 3/5 0.6। आपको ही लग रहा है 20-20 वाला पॉइंट यहाँ पर भी आया था, 20-20 वाला पॉइंट बजट देखा में भी आया था। बजट देखा बनाओ एक बार, यहाँ सेव था और यहाँ संतरा था, 0, 10, 20, 30, 60, 40, 0। ये पॉइंट यहाँ पर भी है, ये पॉइंट यहाँ पर भी है, और इसमें पी एक्स अपॉन पी वाई का रेशियो कितना था? 2:1, 2:1। और एम आई एस कितनी निकल रही यहाँ पर? 2। तो पहली कंडीशन है जहाँ संतुलन होगा वहाँ पी एक्स बट्टे पी वाई बराबर एम आई एस एक्स वाई की होगा। होगा कि नहीं होगा? पास समझ में आ गई भाई? ये पी एक्स अपॉन पी वाई किसका रखेंगे? इस सेम की कीमत, हाँ वो तो रख देंगे, हाँ डिवाइड बाय संतरे की कीमत, लेकिन ये रखेंगे किसका? इधर इसका बजट रेखा का, बजट रेखा का सेम 2 रुपए का था, संतरा 1 रुपए का था। तो बजट रेखा का ढलान ये आईसी के लिए है, ये बजट रेखा के लिए। तो बजट रेखा का ढलान होगा पी एक्स अपॉन पी वाई, वो बराबर होना चाहिए एम आई एक्स वाई के, यानी कि इसके। तो ये निकलेगी, जहां बराबर होगा वहां पर संतुलन होगा। पॉइंट नंबर 2 पे देखो फटाफट इसका। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि संतुलन बिंदु पर, संतुलन बिंदु पर आईसी
मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदय होना चाहिए, उन्नतोदय होना चाहिए। मतलब जब ये संतुलन बनेगा तो ये आईसी जो होगा ना, ये जो आईसी है ये आईसी मूल बिंदु से की तरफ जा रहा होगा, इसकी तरफ होगा ये संतुलन, यहाँ ही बनेगा। अगर यहाँ बनेगा तो फिर बजट रेखा संतुलन इस पर ना बनाकर इस वाले आईसी पर ना बनाकर इस वाले आईसी पर बनाएगी, क्योंकि संतुष्टि इस वाले आईसी पर ज्यादा मिलेगी। मान लो एक आईसी ये है ऐसे और एक आईसी ये है, टच तो ये भी करेगा बजट रेखा को, टच ये भी करेगा, लेकिन ये मूल बिंदु उसकी से दूर है, ये मूल बिंदु के पास है, तो संतुलन हमेशा इस वाले पॉइंट पर बनेगा ना कि इस वाले पर। बात समझ में आती है? ये आपके दो पॉइंट हो गए संतुलन निकालने के, ये हो गया अनधिमान वक्र के द्वारा और बजट रेखा के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन। अब करते हैं उपयोगिता विश्लेषण से उपभोक्ता का संतुलन।